भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश ने जो लक्ष्य रखा था सदस्यता का, उस लक्ष्य को पार किया है। 12 लाख से ज्यादा प्राथमिक सदस्य जो है 15 अक्टूबर तक भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में बनाए हैं। इसके लिए प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी, प्रदेश के नेतृत्व को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देना चाहूंगा और समस्त कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद करना चाहूंगा जिनकी मेहनत से आज 12 लाख से ज्यादा प्राथमिक सदस्य जो है वो भारतीय जनता पार्टी के बने हैं। और वहीं पार्टी का जो संगठनात्मक जिला सुंदरनगर है, जिसमें 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा सदस्यता सुंदरनगर संगठनात्मक जिला के कार्यकर्ताओं ने यहां पर की है। इसके लिए मैं संगठनात्मक जिला सुंदरनगर के सभी मंडलों के अध्यक्ष, सभी विधायक, प्रत्याशी, कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि कार्यकर्ता जो है वो संगठन की रीढ़ की हड्डी है और कार्यकर्ता जिस प्रकार से आज संगठन के इस कार्य में लगा है। और आज यहां सुंदरनगर जिला की बैठक में, जिला की इस छोटी सी एक वर्कशॉप यहां पर आयोजित की गई, जिसमें आने वाले समय में 16 तारीख से लेकर 31 अक्टूबर तक भारतीय जनता पार्टी जो है अपने सक्रिय सदस्य बनाने का जो लक्ष्य रखा गया, उसके लिए आज यहां पर एक दिवसीय कार्यशाला का भी यहां पर आयोजन किया गया। और हिमाचल प्रदेश में जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है, हम देख रहे हैं कि सारे विकास के कार्य रुके हैं और बदला बदली की भावना से काम किया जा रहा है। जो पूर्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में, जयराम जी की सरकार के समय में जो सुविधाएं लोगों को, आम जनमानस को भाजपा की सरकार ने दी थी, वो सारी सुविधाएं छीनने का प्रयास जो है हिमाचल की कांग्रेस सुखविंदर सुक्खू जी कर रहे हैं। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश एक रणनीति के तहत जो है प्रदेश सरकार को घेरने के लिए, इन सारे मुद्दों को उजागर करने के लिए समय समय पर कार्यक्रम भी आयोजित कर रही है, धरने प्रदर्शन भी कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार से वर्तमान सरकार का रवैया है, हिमाचल भाजपा आने वाले समय में और भी उग्र रूप जो है धारण करते हुए इस सरकार के खिलाफ जो है हमला बोलेगी।